पन्ना जिले में अवैध क्लिनिक चलाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक BMO डॉक्टर आशीष तिवारी ने सील कर दिया है। जिले भर में सैकड़ों झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, जो अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन का डंडा चल रहा है। इसी कड़ी में BMO ने शहर में संचालित होने वाली हेल्थ केयर क्लिनिक को सील कर दिया है। रिपोर्टर चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। 9/5/20 को अनिल दुबे जो क्लिनिक का संचालन करते हैं, इनकी क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया है। दल बल सहित इनकी क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जिसमें इन्हें अपनी डिग्री इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बताई गई है, परंतु इनके पास एक भी दवाई मौके पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नहीं पाई गई है, तथा सारी दवाइयाँ जो पाई गई हैं वो इसकी थी एलोपैथिक की थी, और उसी पद्धति से उपचार करते हुए भी इनको पाया गया है। पूर्व में भी इनको इस बारे में चेतावनी दी गई थी कि आप जिस पैथी से आपका पंजीयन हो उसी पैथी से उपचार करें, तो इसमें पूर्व में भी कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें इनको चेतावनी दी जा चुकी थी, लेटर दिए गए थे, इनके द्वारा ठोस जवाब अभी आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। और चूंकि बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं हुआ था, तो आज पुनः औचक निरीक्षण करने के दौरान भी जो पाया गया है उस सामान को जब्त किया गया है और इनकी क्लिनिक को आज शील्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना महामारी चल रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी लोगों को सभी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं इनको बोला गया है कि कोरोना संबंधी चेतावनी और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा मास्क सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करें, परंतु उनके पास दुकान में सैनिटाइजर भी नहीं देखा गया, ना ही क्लिनिक को सफाई किया जाता है, यहाँ झाड़ू भी नहीं लगी है। तो इससे संबंधित इनको समझाइश दी गई है कि चूंकि इस महामारी के दौरान ये चल रहा है, इसलिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, ताकि हम जो है सबकी सुरक्षा कर सकें और किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो। जयनगर में पहली कार्रवाई है सर? हाँ, ये पहली कार्रवाई है। इनके पास से हो क्या कोई आपत्ति? हाँ, इनके पास जो दवाइयाँ पाई गई हैं, जो इंजेक्शन पाए गए हैं, वो एलोपैथिक के हैं, तथा जो जिस पैथी से इनका रजिस्ट्रेशन ये बता रहे हैं, इनके द्वारा अभी दिया नहीं गया है, मैं देखूंगा, परंतु इनने जिस पैथी से बताया गया उस पैथी के पास एक भी दवाई नहीं है। हाँ, जबकि इनके पास इंजेक्शन है, सेफ्ट्राइजोन वगैरह है, ये सब एलोपैथिक की दवाइयों में आते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन थे, बहुत ये काफ़ी दवाइयाँ थी जो कि जब्त की गई हैं, और इनसे इसके बारे में स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्यों ये इस तरीके की, मतलब क्या था, ये इसका इनसे मत लिया जाएगा। नगर सवार भी झोला छाप पर बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि जो पैथी से हैं उसी पैथी से वो उपचार करें, अन्य किसी पैथी से उपचार नहीं करें। अगर पेशेंट देख रहे हैं कोई सर्दी जुकाम का मरीज आता है, तो उसके बारे में सूचना दें, प्रतिदिन शाम को कार्यालय में सूचना भिजवाई जाए इसके। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसको सर्दी जुकाम वगैरह है और संदिग्ध लगता है, तो उसकी भी सूचना हमें दें, ताकि हम उसका उसका सैंपल वगैरह करवा सकें, और किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। जो हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके की ये परिस्थिति सामने में नहीं आए कि डॉक्टर हैं, और हमारी थोड़ी सी गलती है कि कुछ दवाइयाँ हमारे पास एलोपैथी की पाई गई, आइंदा एलोपैथी से इलाज नहीं करेंगे। अच्छा, आपको पूर्व में भी नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद भी आप अपनी क्लिनिक संचालित करते रहे, क्यों? अभी हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए हम बाहर रहे, इसलिए आ नहीं पाए। सर को शाम को आज हम अपने सारे दस्तावेज जमा कर देंगे। आपको मालूम है विदेश कि कोरोना महामारी समय बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैली हुई है, आपके यहाँ पर ना कोई मास्क है और ना सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, ये डॉक्टर साहब BMO साहब का कहना है, आपका क्या कहना है? हाँ, अभी खत्म हो गया था सैनिटाइजर, तो अभी तो हम आए हैं, लेने जाना था थोड़ी देर में। ठीक, क्या नाम है आपका? अनिल दुबे। ये दवाइयों का प्रयोग करते हैं आपके द्वारा, किस पद्धति द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन है इलाज करने का? हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और हमारी थोड़ी सी गलती है कि कुछ दवाइयाँ हमारे पास एलोपैथी की पाई गई, आइंदा एलोपैथी से इलाज नहीं करेंगे। अच्छा, आपको पूर्व में भी नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद भी आप अपनी क्लिनिक संचालित करते रहे, क्यों? अभी हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए हम बाहर रहे, इसलिए आ नहीं पाए। सर को शाम को आज हम अपने सारे दस्तावेज जमा कर देंगे। आपको मालूम है विदेश कि कोरोना महामारी समय बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैली हुई है, आपके यहाँ पर ना कोई मास्क है और ना सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, ये डॉक्टर साहब BMO साहब का कहना है, आपका क्या कहना है? हाँ, अभी ख़त्म हो गया था सैनिटाइजर, तो अभी तो हम आए हैं, लेने जाना था थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।